ढक देती हूँ, हल्के हल्के से बना देती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, तो स्वागत है अपने चैनल पे। आज बन रहा है आलू भिंडी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक बस और कुछ नहीं, खूब सारा प्याज ये डाल के सिंपल सिंपल भिंडी बना रही हूँ और फटाफट बन जाएगा। रोटी के साथ खाने के लिए बहुत बढ़िया है। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, इधर सीजन चेंज, विंटर विंटर थोड़ा सा, तो ये गले के लिए भी अच्छा है क्योंकि काली मिर्च इज वेरी गुड फॉर द ग्राउट, है ना। तो चलो फटाफट बना लेते हैं और क्या, खुश हो जाते हैं। इस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं, है ना। चलो ये बेसिक न्यूज़पेपर के साथ आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो एडवर्टिजमेंट पेपर्स, इसको आप रखो और इससे भी यूज़ कर सकते हो और कुछ कुछ बना सकते हो अगर आप ज़ीरो कॉस्ट में कुछ करना चाहते हो अदर देन द फेविकॉल विच यू आर यूजिंग, आप कर सकते हो। और मैं भी एक्सपेरिमेंट करके वही कोशिश कर रही हूँ। देखो इस तरह से ना पेपर्स पेस्ट कर रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल वे से, बट कोशिश कर रही हूँ कुछ बनाने का। बोलो लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड करो, जैसे आप स्कूल्स में किए हैं ना ओरिगैमी की तरह, तो इस तरह के आप फोल्ड करो पेपर वर्क के लिए एंड उसको ना डिफरेंट शेप्स में आप कटिंग कर दो इन बिटवीन, जो मन चाहे। तो उसके बाद आप इसको पेस्ट कर देना, जैसे मेरे पास अभी इस डिज़ाइन का है तो इसमें मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आपका पेपर कटिंग तैयार, इसको अभी आप आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करो तो देखना डिफरेंट शेप्स आपका आ जाएगा। ये आप आहिस्ते से आराम से पेस्ट कर दो, नॉट दिस साइड बट अदर साइड लाइक दिस, है ना। तो ये अगर आप इसमें पेस्ट कर दोगे इट विल डेफिनेटली लुक नाइस। चलो करके देखते हैं। एक पुराना मेरे पास दिवाली का बत्ती है, बत्ती मतलब इट्स लाइक ब्यूटिफुल दिवाली लैम्प विच यू पुट इट यू नो आउटसाइड द हाउस और वेर एवर यू वॉन्ट टू और नियर द पूजा स्थान या पूजा प्लेस। तो इसको भी ये यूज़ नहीं हो रहा है बिकॉज ये ख़राब हो चुका है, तो इसको भी मैं अच्छे से कुछ कुछ बना लूँगी, है ना। तो दोस्तों हम क्या बना के लाए देखो इस तरह से आपके पास जो लैम्प्स, जो टूनी बल्ब, जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसी से कुछ कुछ बना लो। अभी हम इसमें लाइट लगा के देखते हैं ना कैसे लगेगा। तो इस तरह से हैंगिंग लैम्प भी आप बना सकते हो। चलो लगा के देखते हैं बत्ती कैसे लगता है। देखो इस तरह से फ्लावर को कलर किया, ठीक है। अभी इसके अंदर बत्ती डाल के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिवाली की दिया बनाएंगे। और इसको इस तरह से भी आप रख सकते हो, इसके अंदर भी आप कुछ दिया डाल के ऐसे भी रख सकते हो, इट विल ऑल्सो लुक नाइस, है ना। फ्लावर की तरह लगेगा, अंदर आप एक छोटा सा दिया रख लो या यूं, है ना, जैसे भी मन चाहे। देखो बैठे बैठे आपका तीन दिया बन गया और ये दिखेगा नहीं आपको एक्चुअली, जब आप लाइट में रखोगे ना, ये देखो ये गणेश जी दिखेगा और बढ़िया लगेगा, है ना। तो सिंपल हम्बल वे से बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आइडियाज़ लगा सकते हो। चलो अभी इसमें बल्ब डाल के हम देखते हैं कैसे लगता है। देखो ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना, कहीं भी आप लगा दो बाद में तो भी बढ़िया लगेगा, है ना सुंदर। देखो कैसे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना इस तरह से। इसमें और थोड़ा बत्तिया वगैरह डाल दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास इतना बत्तिया तो है ही नहीं, अभी जो बत्तियाँ हैं उसी में कर रहे हैं, है ना। ऐसे आप कहीं भी हैंग कर दो इसको और बढ़िया से सजा दो, अंदर के थोड़ा सा बल्ब्स या टूनी बल्ब्स या इस तरह से ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो ये अंदर ऐसे डालोगे ना तो ऐसे इट विल ट्राई एंड यू नो यू हैव टू ट्राई एंड experiment with different colors of lights and then it will reflect light and that is the best part of it. And either Ganesh ji bhi hai to ye Ganesha ji bhi reflection mein aa jayega to bahut badhiya lagega, hai na. Kya bolte ho, iske liye thoda sa lights aur thoda intezar aur Diwali ka intezar karna padega, hai na. To chalo dekho
इस तरह से लगाओ ना तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। इट लुक लाइक अ ब्यूटिफुल ब्लूमिंग फ्लावर। बढ़िया सा आप लैम्प शेड बना सकते हो विथ योर ओन एफर्ट एंड विथ योर ओन एंथुजियाज्म एंड योर ओन हैप्पीनेस फॉर हैप्पी दिवाली, है ना? कैसे लग रहा है बताओ? मेहनत थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करो और बढ़िया सा कुछ बना लो और दिवाली मना लो, है ना? इस तरह से दिवाली मनाओ हम्बल वे से, क्योंकि ये फेस्टिवल हैप्पीनेस का है और हैप्पीनेस आप किसी भी वे से बांट सकते हो, किसी भी वे से क्रिएट कर सकते हो, किसी भी वे से स्प्रेड कर सकते हो, है ना? दैट इज़ आवर व्हाट शुड आई से मैसेज फॉर 2023, है ना? तो चलो फ्लावर के साथ साथ हैप्पी दिवाली मनाओ और हैप्पीनेस बरसाओ। अरे वाह, इधर से भी बढ़िया लग रहा है ना, देखो लाइट में कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना? देखो कैसे लग रहा है, अपने घर में बैठ के अपना ही जो यू नो लुक अराउंड यू एंड वॉट एवर थिंग्स यू कैन फाइंड रिसाइकल देम एंड मेक देम इन टू ब्यूटिफुल लैम्प्स इन दिस दिवाली, बिकॉज द वर्ल्ड अवेयरनेस इज रिसाइकल वॉट एवर अनवॉन्टेड थिंग्स यू हैव, इफ यू कैन रिसाइकल देम ब्यूटिफुल थिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय ऑल ऑफ अस, बाय एवरीबडी, बिकॉज वी ऑल नो कुछ कुछ क्राफ्ट हम सबको आता है। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, सिंपल दीदी का हम्बल रेसिपी ऑफ लाइफ है। तो एक लैम्प हमारा तैयार है, इसको हैंगिंग लैम्प बनाना है तो यहाँ से कर दो, इधर से लगा दो, बस छुट्टी है ना? इस तरह से कुछ कुछ बना लो, हो जाएगा। देखो ऐसे लगा के मैं लाइट के अंदर भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये पूरा लैम्प शेड जो है वो भी हैंडमेड है विद आइडिया यू नो विद आवर कारपेंटर भैया हु केम यू नो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिनोवेशन ऑफ द हाउस। तो उस टाइम पे उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कर दिए थे। और ये पेपर मैशे वाला जो लैम्प शेड है वो तो हमारे पास था ही, इसके ऊपर इस तरह से लगा दो और बढ़िया लगेगा, है ना? और ऐसे अगर आप एक वेयर के अंदर इस तरह से बना के लगा दो तो कैन बिकम अ ब्यूटिफुल यू नो थ्रेड ऑफ ब्यूटिफुल लैम्प शेड्स। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसे आप बना बना के डिफरेंट कलर्स के एक थ्रेड के अंदर डाल के उसके अंदर इस तरह का आप लैम्प्स डाल दो ना, तो यू कैन मेक इट इनटू अ ब्यूटिफुल वेयर फुल ऑफ लवली लैम्प शेड्स, और वो घर में अपने हाथों से बना सकते हो, है ना? एक पाम के पत्ता ना टूट गया था तो मैं इधर ऐसे लगा दी, कितना बढ़िया लग रहा है ना? छोटे छोटे चीजों से भी ना यू कैन फाइंड हैप्पीनेस, यू कैन सीक हैप्पीनेस, यू कैन फील हैप्पीनेस, है ना? लग रहा है ना बढ़िया, एकदम माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने। ये जगह इतना मिट्टी हो गया, ये जगह मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, तब तक आप ना वो लक्ष्मी पूजा में मैं थोड़ा सीआर पार्क गई थी, ज्यादा कुछ खरीदने नहीं गई थी, ऐसे गई थी, तो थोड़ा सा आप तब तक वो देख लो और तब तक मैं ये सब टॉप सीटर भी ठीक करती हूँ, है ना? इधर ये सब फोटोज वगैरह है ना, ये सब ठीक करके रखती हूँ, ठीक है? चलो फटाफट कर लेते हैं ये जगह क्लीनिंग।
घर का जब रेनोवेशन हुआ था ना, तो ये जो स्लैब है ये मैंने वहां से एक टुकड़ा लाई थी, और इसको मैं अच्छे से कुछ डेकोरेशन पीस रखने के लिए इसमें थोड़े छोटे छोटे ऐसे लगा दिए। बट ये गोल्डन कलर अभी फेड हो गया, और गोल्डन कलर सेम कलर देख देख के मोनोटोनी आ जाता है, तो थोड़ा सा उस कलर में थोड़ा डिफरेंस कर देती हूँ, थोड़ा सा ये कलर लगा देती हूँ, है ना। चलो करते हैं। देखो तो कैसे लग रहा है, एक सिंपल आइसक्रीम के डब्बे को भी ना आप ऐसे सजा सकते हो। एंड डोंट लुक एट दिस, प्लीज ओवर लुक दिस, दिस पार्ट ऑफ द शीट दैट आई एम यूजिंग, दिस पार्ट ऑफ द वुडन प्लैंक आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर सम अदर डीआईवाई वर्क। तो मैं अभी ये इसको इस तरह से सजा रही हूँ, आइसक्रीम कप के डिजाइन में ही मैं इसको बना दी हूँ, तो ये बढ़िया भी लगेगा, थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा ये लुक, इधर एनहेंस हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच करो, कौन सा डिजाइन कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन सा स्पेस के साथ कौन सा कलर खिल रहा है, कौन सा कलर ज्यादा ब्राइटन अप हो रहा है, वो थोड़ा सा मिला जुला के देख कर कुछ कुछ बना लो। चिट्टी मैंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट की हूँ, और इस बॉटल में कॉर्क भी है, ये देखो दिस इज हैविंग अ नाइस कॉर्क इनसाइड, ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ओ या, तो इसको ना मैं ऐसे करके यूं लगा के इसको मैं सिल्वर कलर या पिंक कलर कुछ कलर कर दूंगी, अंदर स्टोन्स डाल दी हूँ जो एक्वेरियम में डाला जाता है, और दिवाली के टाइम थोड़ा सजा दूंगी घर बॉटल का। ये जो है ना एक कैंडल से एक बार ओवरफ्लो किया था वैक्स, तो उसको मैं नेचुरल वे से सजाई हूँ बिकॉज इट इज लुकिंग वेरी नाइस, तो आई हैव जस्ट किप्ट इट एज लाइक मॉडर्न आर्ट और ब्यूटिफुल आर्ट, इस तरह से रखी हूँ, और साथ में ये बॉटल रख दी हूँ, है ना। और ये मेरे सिस्टर इन लॉ ने ला के दी थी, सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर टोकन्स ऑफ यू नो लव, टोकन्स ऑफ हैप्पीनेस, टोकन्स ऑफ हैप्पी मोमेंट्स विच यू कलेक्ट, यू एक्यूमुलेट, यू पुट टूगेदर एंड मेक लवली मेमोरीज फॉर दिवाली। क्या बोलते हो, ठीक बोल रहे हूँ ना, ये देखो देखो तो कैसे लग रहा है। अब मैं ये दूसरे जगह पे रखूंगी, लेकिन ये मेरे यू नो लाइट के साथ जो बढ़िया सा एक इफेक्ट आता है वो दिखाने के लिए ये मैं इधर डाली हूँ। सिंपल एक बॉटल जुगाड़ करके, जुगाड़ू मेथड में आप बढ़िया सा चीज बना सकते हो दिवाली के लिए, और हैप्पी दिवाली कर सकते हो हम्बल वे से, है ना। ये फ्लावर मेरे पास था, आप लोगों ने देखे होंगे, ये बटरफ्लाईज बच्चों का डीआईवाई का एक स्टेशनरी शॉप से लाई थी, और ये सिंपल वे से एक 5 रुपए का फेविकॉल से लगा दी, बस छुट्टी, है ना। और ये बॉटल का शेप तो है ही सुंदर, इसमें शेल लगा दी, बस अब मैं इसको प्लेस करूंगी अच्छे से। प्लीज ओवरलुक माय वर्कशॉप एरिया, क्या करें, ये छोटा सा घर है उसी में तो करना पड़ेगा। ये देखो अभी तक मैं ऐसे बनाई हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ करती हूँ, क्या बोलते हो, है ना। देखो तो केमन लगे, सिंपल वे से इस तरह से बना दी हूँ। अगर ज्यादा व्हाइट कलर रखना चाहते हो तो इस तरह से आप रख सकते हो, और अदरवाइज पेंट करके अच्छे से कलरफुल भी बना सकते हो। और एक आइडिया मैं आपको देती हूँ, अगर आप दिवाली में कुछ इंस्टेंट लाइट देना चाहते हो ना, इसमें भी लाइट देके सजा सकते हो, लेट्स सी। देखो तो कैसे लग रहा है, ये मेरे पास लाइट्स उस दिन मैं लाई थी जस्ट फॉर इट्स 120 या 130 रुपीज। इस तरह से आप सजा दो, और फ्लावर्स की जगह आपको लगेगा यहाँ पे लाइट्स आ रहा है ना, और हैप्पी दिवाली कर लो, जीरो कॉस्ट एक्सपेंसेस। थोड़ा कलर्स अपने पास रखो, जब जहाँ पे जरूरत पड़े यूज द कलर्स, एंड डेकोरेट अ प्लेस और कॉर्नर और अ सिंपल ओपन स्पेस, अ सिंपल स्पेस विच नीड्स टू बी कवर्ड, है ना।
हैप्पी दिवाली कर लो। और इसी के साथ और आज दीदी आप लोगों के साथ इस दिन को समाप्त कर रही है, एक नए दिन के इंतजार है। एक नए दिन के इंतजार के साथ एक बढ़िया सा हैप्पी दिवाली के साथ, अच्छे से खूब सारे रोशनियों के अंदर, खूब सारे कलर्स के अंदर दिवाली मनाओ, अच्छे से सजाओ, बढ़िया से रहो, खूब मिठाई खाओ, लेकिन थोड़ा बम पटाखे कम बजाओ बिकॉज इट नीड्स टू बी अ पोल्यूशन फ्री दिवाली। एंड प्लीज ओवरलुक दिस, ये पीछे की तरफ कर देना, ये देखो इस तरह से कर देना और सजा देना चिट्टी। जय श्री कृष्ण, आओ जो, लेट द ग्रेट एंड माइटी डिवाइन पावर ब्लेस अस एंड कीप अस हैप्पी, प्रॉस्परस, हेल्दी, पॉल्यूशन फ्री एंड ओवरऑल गिव अस अ पीस इन अवर माइंड फॉर अ नाइस एंड हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण, आओ जो। हो सकता है मैं दिवाली में और एक वीडियो दूं, नहीं दे पाऊं तो आज ही विश कर देती हूँ हम्बल वे से हैप्पी दिवाली। देखो हम्बल वे से भी आप कुछ बना के हैप्पी दिवाली मना सकते हो, है ना। चलो बाय बाय वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।